आप यहाँ के काम से ये सब चीज़ से संतुष्ट है? हाँ, हर चीज़ से, सबके साफ सुथरा मिल रहा है, हर चीज़ अपना टाइम टेबल पे सब चीज़ हो रहा है। तो क्या कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत रिलीफ लगता है यहाँ पे आने को। अच्छा, सब चीज़ ठीक ठाक एकदम? बिल्कुल। तो कट्टा में तो हॉस्पिटल बड़ा ही है, हॉस्पिटल है और जगह, लेकिन वहाँ चार्जेस ज़्यादा है, चार्जेस कम है। अच्छा, यहाँ चार्ज कम है इसीलिए आते हैं? है मतलब आराम बहुत आराम है, बहुत 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 आराम। यहाँ का इलाज ठीक ठाक लगा? बहुत इलाज बहुत अच्छा है, ठीक इलाज है। नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं एसआर न्यूज़। मैं रिजवी, मैं अभी मौजूद हूँ बाईपास में NS इमरजेंसी हॉस्पिटल, जिसके MD हैं डॉक्टर प्रभास सर। और यहाँ पे किस तरह का फैसिलिटीज है, गरीबों के लिए क्या सेवा है, क्या है, यहाँ लोगों से भी बात करेंगे और डॉक्टर सबसे भी बात करेंगे, क्या क्या यहाँ पर इन लोग को दे रहे हैं, कैसे यहाँ पे स्वीकृति है, क्या है, हम लोग से बात करेंगे। यहाँ पे कुछ पेशेंट है उनसे भी बात करेंगे, उनके गार्जियन है, कि यहाँ पे क्या कैसा इलाज होता है, सारा चीज़ बात करेंगे। सबसे पहले आपका एसआर न्यूज का, मैं डॉक्टर प्रभात कुमार, NS इमरजेंसी हॉस्पिटल का डायरेक्टर। ये संस्था विगत 2017 से चल रही है और मरीज अच्छे इलाज नहीं होने के कारण उसकी स्थिति खराब हो जाती है और सर अंत में जो है उसे सरकारी में भेजने के कारण जो है उसकी अवस्था और दयनीय हो जाती है, बिगड़ती चली जाती है, जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो हम लोगों का सोच है जो गरीब भी मरीज हो उसका इलाज अपने यहाँ हो, अच्छा इलाज हो, पैसा ना भी हो कम हो तभी भी उसका इलाज एक ढंग से किया जाए जिससे उसकी जान बचाया जाए, हॉस्पिटल में कम लागत से उसका पैसा लिया जाए, दवा में भी जो है कम लागत से उसका इलाज किया जाए जिससे उसके आर्थिक स्थिति को देखते हुए वह स्वस्थ भी हो जाए और अपने यहाँ से सही ढंग से चले जाए, ठीक हो। किस तरह का इलाज यहाँ पर लगातार आप बहुत सालों से कर रहे हैं, इससे पहले भी, अब कुछ और चेंजिंग, कुछ बड़ा यहाँ पे, कुछ और इस तरह का बड़ा? यहाँ पे सभी प्रकार के सर्जरी होती है, इमरजेंसी केयर होता है, बच्चे की इलाज होती है, यहाँ पे सारे बीमारियों से जो भी पेशेंट जिस तरह का होता है, ग्रसित होता है, उसके विशेषज्ञ आकर देखते हैं। कहाँ कहाँ से पेशेंट तो बिहार से आते हैं? लगभग बिहार के समझ लीजिए हर प्रत्येक ज़िले से यहाँ मरीज जो है आते हैं। अधिकांशतः मरीज जो है आपको आरा ज़िला, सीतामढ़ी ज़िला, दरभंगा ज़िला, नेपाल से भी बहुत सारे पेशेंट आते हैं, यानी सभी क्षेत्र से जो यहाँ मरीज जो है काफ़ी मात्रा में आते हैं। यहाँ पे जो इलाज का सुविधा आप लगातार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ा अभी तक इस इलाज के दौरान सबसे बड़ा ऐसा क्या हॉस्पिटल में हुआ जो कुछ खास बताइए? आज आप आए होंगे तो देखे होंगे लगभग दो पेशेंट अभी मेरे पास इस तरह जाना काफ़ी मुश्किल था। एक का तो समझिए तीन जगह आँख फटी हुई थी, रप्चर हो गया था, उसे कहीं ना कहीं कोई उसके जिला में चाकू मार दिया हुआ था। और एक मरीज जो आप देखे थे ICU नंबर एक बेड पे, महिला थी, उसका जो समझिए बचदानी में लगभग नहीं भी तो आपको हम पिक देंगे लगभग 10-15 तरह के, माने उसके बचदानी में जो है ट्यूमर हो गया था, गांठ बन गई थी, काफ़ी ख़तरनाक था वो, तो समझिए उसका बचदानी निकालना पड़ता, लेकिन हमारे विशेषज्ञ जो हैं सर्जन जो है उसके बचदानी को बचाते हुए उसका इलाज काफ़ी ढंग से किया गया है अपने पास। मतलब बाहर के लोग आने से यहाँ डरते हैं, उसको कैसे आप हैंडल कर रहे हैं? देखिए हमारे अस्पताल में आप आए होंगे तो ना कहीं पे यहाँ तामझाम आपको मिला होगा, बिल्कुल बिल्कुल, ना कोई चमकती दुनिया मिली होगी, एक बिजली से चमकती हुई शीशा लगा हुआ, हमने एक सिंपल हॉस्पिटल बनाया है जिसमें गरीबों का इलाज हो, सेवा कर सके हम, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जिसमें गरीब घुसने से डरता है, बिल्कुल, तो देखता है अरे इतना बड़ा शीशा लगा हुआ है, दमक झमक है, हम यहाँ पे मेरा इलाज हो पाएगा कि नहीं। तो हमने इस ढंग से इस अस्पताल को बनाया है जो गरीब यहाँ आसानी से इलाज, मतलब लोग बेझिझक हो बेझिझक हो सके आए, जो भाई मेरा यहाँ पे अधिक खर्च ना होगा, कम खर्च में मेरा इलाज यहाँ हो जाएगा। के कारण पैसा के अभाव के कारण वो फीस न देकर, डॉक्टर को फीस न देकर दवा के दुकान से जो है दवा खरीदते हैं, जिसके कारण उनको साइड इफेक्ट होता है, कौन दवा लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, फीस नहीं देने के कारण डॉक्टर से नहीं दिखा पाते, डर से कि फीस ज़्यादा, फीस अगर हमें 500 लगेगा तो 500 में हम ठीक हो जाएंगे,
तो हमारा एक नई सोच उत्पन्न हुई है, क्यों ना हम जो है मात्र 10 रुपया लेकर फीस वहाँ पे जहाँ पे हम OPD करते हैं वहाँ पे मात्र 10 रुपया लेके मरीज का जो है वहाँ पे देखें, कम से कम उसकी बीमारी तो परख में आई जो किस तरह की बीमारी है, अगर लगे जो कुछ बड़ी बीमारी है तो उसे बड़ी रिसर्च सेंटर पे भेजा जाए। क्या नाम हुआ आपका? लालवार से बात की। यहाँ पे आप आए हैं क्या सीखा? वो एक पेशेंट है हमारे फूफा जी। अच्छा, पेट में चिट्ठी हो चुका है पहले भी यहाँ पे और नाली जा चुका है। जी जी, मतलब आप दोबारा आए हैं तो क्या कैसा लगता है यहाँ पर? बहुत रिलीफ लगता है यहाँ पे आने के बाद। अच्छा, सब चीज़ ठीक ठाक? एकदम बिल्कुल। तो कट्टा में तो हॉस्पिटल बड़ा ही है? हॉस्पिटल है और जगह, लेकिन वहाँ चार्जेस ज़्यादा है, चार्जेस कम है। अच्छा, यहाँ चार्ज ही कम है इसीलिए आते हैं? जी सर। इलाज भी बढ़िया? इलाज भी अच्छा होता है। चार्ज भी कम है, इलाज भी बढ़िया है, मतलब सारा कुछ। गरीबों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छा व्यवस्था है, गरीबों के लिए पूरा व्यवस्था है। कहाँ से हैं? हम तो पालीगंज थाना से हैं, तो यही है। पालीगंज जी। क्या किसको आप किसको क्या दिखाने आए थे? हम अपने पिताजी को दिखाने के लिए आए। अच्छा, तो क्या तो क्या तकलीफ था? तो हाइड्रोसिल में तकलीफ था। तो अब कैसा यहाँ पर दिखाएं तो क्या आपको लग रहा है यहाँ से कैसा आराम मिल रहा है? अच्छा लग रहा है, मतलब फ़ायदा ठीक ठाक है। हाँ, कोई दिक्कत की यहाँ पर परेशानी नहीं? देवी कहाँ से? अनीसा पर। तो यहाँ पे क्या दिखाने हैं, किसको दिखाने? यहाँ पे बच्ची को दिखाने आए थे, तो बच्ची को प्रॉब्लम था जो सॉल्व हो गया। हो गया सॉल्व? ठीक होगा? ठीक है, अब छुट्टी लेके जाने वाले हैं। छुट्टी लेके जा रही हैं? जाएंगे शाम तक, जाएंगे सुबह तक। हाँ हाँ, शाम या सुबह भी जाएंगे, मतलब इलाज बढ़िया हो गया सब चीज़? हाँ हाँ, सब चीज़ अच्छा। खुश है? एकदम खुश है, कहीं जाना नहीं पड़ा हमको बच्चे का। किसको धन्यवाद दीजिएगा? किसको देंगे? डॉक्टर साहब को देंगे, हॉस्पिटल को देंगे। हॉस्पिटल और डॉक्टर साहब को? व्यवस्था ठीक ठाक है, सब चीज़ ठीक है। क्या नाम? कहाँ से हैं? परशुरामपुर। कहाँ पर पड़े? कौन जिला? सीतामढ़ी। सीतामढ़ी से आएंगे? क्या दिखाना है? अच्छा, कैसा लगा यहाँ, क्या है इलाज? ठीक है, संतुष्ट है? आप जो यहाँ पे आए हैं कब आए थे? आज हो गया 17 दिन। कैसा है, मतलब आराम? बहुत आराम है। बहुत 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 आराम। यहाँ का इलाज ठीक ठाक लगा? बहुत इलाज बहुत अच्छा है, इसके बाद दिन आज मैं के दिन है ना, कल जीने जीवन बच गया, तो मर गया था मैं। जीवन लौट गया दोबारा? हाँ, जीवन लौट गया सर, जीवन लौट गया। तो यहाँ के कार्य से संतुष्ट? हाँ, सब कुछ देखो, सब कुछ देखो, सब ठीक ठाक है? हाँ, सब ठीक ठाक है सर, कोई दिक्कत नहीं, परेशान नहीं है, बस सब मेरे जीवन ले लिया, जीवन बचा लिया सर, इसका बहुत। तो किसका शुक्रिया अदा करेंगे, इतना बड़ा काम जो हुआ? कौन? डॉक्टर प्रभात साहब का, डॉक्टर साहब को पूछना प्रणाम है, मेरे जीवन में लौटा दिया दोबारा भी, मैं धन्यवाद करता हूँ साहब।